और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार रुमान रईस की जिंदगी की कहानी। रुमान रईस 18 अक्टूबर 1991 में कराची में पैदा हुए। इनका स्टार लिब्रा है। रुमान रईस एक शिया और उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। रुमान रईस ने अपना बचपन कराची के इलाके नॉर्थ कराची सनोवर कॉटेज में अपनी फैमिली के साथ गुजारा और कुछ सालों बाद वो वहाँ से दूसरे इलाके गुलशन मेमार में शिफ्ट हो गए। रुमान रईस बचपन से ही एक सलीके और सुलझे हुए बच्चे थे और अपने वालदैन के बहुत ही फरमाबरदार बेटे थे। रुमान रईस को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और देखने का शौक़ था और इनके आइडियल पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम थे। रुमान रईस ने अपनी इंटरमीडिएट की तालीम प्री इंजीनियरिंग से हासिल की। रुमान रईस कराची में टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे और इनकी बॉलिंग ऐसी थी कि हर कोई देखने वाला रुमान रईस की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता था। रुमान रईस टेप बॉल क्रिकेट इतनी अच्छी खेलते थे कि इनके वालिद साहब को बहुत से लोगों ने आकर कहा कि रुमान को किसी हार्ड बॉल क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दे क्योंकि इसके अंदर बॉलिंग टैलेंट इतना है कि ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकता है। कहा जाता है रुमान रईस की टेप बॉल में बॉल भी दिखाई नहीं देती थी। बहुत से लोगों के इसरार के बाद रुमान रईस को इनके वालिद ने क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा ही दिया और कहा कि क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। रुमान रईस क्लब क्रिकेट खेलने लगे और डोमेस्टिक टूर्नामेंट और कंपनीज लीग में अपनी क्लब क्रिकेट टीम की तरफ से एज आ अटैकिंग बॉलर हिस्सा लेने लगे। बस कुछ ही सालों में रुमान रईस डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से मशहूर हो गए और हर जगह इनका नाम लिया जाने लगा। जिस तरह दुनिया कहती है पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं और एक से बढ़कर एक बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल ही जाते हैं, इसी वजह से रुमान रईस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट ए टीम में चांस नहीं मिल पा रहा था। रुमान रईस हमेशा से मोटिवेट और यकीन रखते थे कि इनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और एक ना एक दिन इनको पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रीन शर्ट पहनने का मौका मिलेगा। 2016 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ क्योंकि इस साल PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू करवाई और जिससे बहुत से पाकिस्तान यंग टैलेंट को अपना क्रिकेटिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिला। पाकिस्तान सुपर लीग 2016 की ड्राफ्टिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रुमान रईस की डोमेस्टिक बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर अपनी फ्रेंचाइज के लिए सिलेक्ट कर लिया और रुमान रईस जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना बना लिया। PSL 2016 में रुमान रईस को प्लेइंग 11 में इतना मौका ना मिल सका क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में मोहम्मद इरफान, शेन वॉटसन, मोहम्मद समी और एंड्रयू रसल जैसे उम्दा बॉलर्स पहले ही मौजूद थे जिसकी वजह से यंग टैलेंट रुमान रईस को अपने बॉलिंग के जौहर दिखाने का मौका ना मिल सका। रुमान को इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बनने का बेहद फ़ायदा हुआ क्योंकि इस फ्रेंचाइज के मेंटोर द ग्रेट वसीम अकरम थे जो कि खुद रुमान रईस के आइडियल है। रुमान रईस को ग्रेट वसीम अकरम से बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग और फिटनेस टिप्स हासिल हुई और वसीम अकरम ने रुमान रईस को इन स्विंग और आउट स्विंग करने के तरीके भी बताए। वसीम अकरम ने रुमान रईस को अपने वेट में काम करने का मशवरा दिया और कहा कम से कम अपना वेट 6 से 10 किलोग्राम कम करो और रुमान रईस ने वसीम अकरम के इस मशवरे पर यकीनन काम किया और अपना वेट एक साल में 10 किलोग्राम कम कर लिया जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एनर्जेटिक और क्विक बॉलर हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2016 का PSL मिसबाउल हक की क़यादत में जीत गई मगर रुमान रईस को प्लेइंग 11 में खेलने का इतना मौका ना मिल सका लेकिन वसीम अकरम से बेशुमार टिप्स मिल गई।
PSL के बाद रुमान फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे और इनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन मजीद उम्दा होती गई। इसी बिना पर रुमान रईस को 2016 के सितंबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 UAE सीरीज में शामिल कर लिया, जिसमें इन्होंने एक मैच खेला और अच्छी बॉलिंग भी कराई। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 2016 की विनर फ्रेंचाइज ने अपने पिछले साल के स्क्वाड में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की और रुमान रईस को फिर से PSL 2017 सेकंड एडिशन के लिए रिटेन कर लिया। लेकिन रुमान रईस शायद कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि इनको फिर से इतने मौके नहीं मिलेंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा परमानेंट तौर पर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन एंड्रू रसल के डोप टेस्ट के 2 साल बैन की वजह से और मोहम्मद इरफान की स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम मैनेजमेंट ने रुमान रईस को प्लेइंग 11 में परमानेंट जगह देने का इरादा कर लिया। वो कहते हैं, मौका हर किसी को मिल जाता है, बस हर शख्स को चाहिए उस मौके को अच्छी तरह से अवेल कर ले। रुमान रईस जो कि ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे, उन्होंने PSL 2017 सेकंड एडिशन में अपनी बॉलिंग से धूम मचा दी और सबसे कम एवरेज के बॉलर के साथ साथ PSL के टॉप 3 विकेट टेकर बॉलर्स में भी शामिल हो गए। रुमान रईस ने पूरे टूर्नामेंट में क्रिस गेल, ब्रैंडन मैकमिलन, कुमार संगकारा, जैसन राय, मोहम्मद हफीज़ और दीगर बहुत से बड़े बैट्समैन्स को पवेलियन की राह दिखाई और पूरे लीग में बेहतरीन बॉलिंग करके PSL व्यूअर्स के दिल जीत लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पूरी लीग में रुमान रईस ने मेन बॉलर का किरदार अदा किया। रुमान रईस का विकेट लेने के बाद विकेट सेलिब्रेशन का स्टाइल भी मुनफरिद था। वो विकेट लेने के बाद खामोशी से हाथ बांध कर खड़े हो जाते और ये विकेट सेलिब्रेशन स्टाइल लोगों को बेहद पसंद आया। PSL सेकंड एडिशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने रुमान रईस को पाकिस्तान T20 स्क्वाड में परमानेंट जगह दे दी और इनको फिर से वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लिया। रुमान रईस ने वेस्ट इंडीज सीरीज जो कि वेस्ट इंडीज में खेली गई वहाँ बेहतरीन बॉलिंग की और पाकिस्तान की जीत में एक अहम सतून बनकर सामने आए। रुमान रईस पाकिस्तान T20 टीम के पक्के मेंबर बन गए थे, लेकिन ODI में इनको जगह नहीं मिल पा रही थी। 2017 के जून में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट इंग्लैंड में खेला जा रहा था, उसमें भी रुमान रईस अपनी जगह 15 मेंबर से स्क्वाड में नहीं बना सके। यकीनन रुमान रईस इससे अफसरदा हुए होंगे, लेकिन इनकी किस्मत में ये टूर्नामेंट खेलना था और इनको मौका तब मिला जब इंडिया पाकिस्तान के 4 जून 2017 के पूल मैच के दौरान वहाब रियाज टखने पेट दर्द की वजह से इंजर्ड हो गए और फिर वो अपने पूरे ओवर्स भी इस मैच में नहीं करवा सके। वहाब रियाज ने उस मैच में बहुत ज़्यादा रन्स भी दिए और पाकिस्तान वो मैच बहुत बुरी तरह इंडिया से हार गया। वहाब रियाज बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने वहाब रियाज का रिप्लेसमेंट इंग्लैंड बुला लिया। रुमान रईस को PCB ने वहाब रियाज की जगह इंग्लैंड भेजने का फैसला करा। रुमान रईस को वहां जाकर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकी और उन्होंने 2 मैचेस बेंच पे गुजार दिए। पाकिस्तान टीम सरफराज अहमद की कैप्टनसी में इंडिया से हारने के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली थी। सेमीफाइनल खेलना रुमान रईस के नसीब में था और हुआ कुछ इस तरह। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के मेन बॉलर सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से रुमान रईस को प्लेइंग 11 में जगह मिल गई। अब रुमान रईस का 14 जून 2017 को ODI डेब्यू होने जा रहा था और ये मामूली गेम नहीं था बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था, वो भी इंग्लैंड के साथ जो पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त थी। रुमान रईस ने इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और वो बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने पाकिस्तान को पहली विकेट डेंजरस एलेक्स हेल्स की दिलवा कर पाकिस्तान की इस मैच में गिरफ्त मजबूत कर दी। रुमान रईस ने ऐसी बॉलिंग की कि लग ही नहीं रहा था ये अपना पहला ODI मैच खेल रहे हैं और इन्होंने इस मैच में 44 रन देकर
दो खिलाड़ियों को आउट करा। रुमान रईस ने उस दिन साबित कर दिया कि वो भी स्ट्राइकर बॉलर है और बड़े और प्रेशर मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं। रुमान रईस को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह नहीं मिल सकी क्योंकि मोहम्मद आमिर फिर से फिट हो गए और उन्होंने फाइनल में बेहतरीन स्पेल कराया जिसकी बिना पर पाकिस्तान ने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में धूल चटाकर ये टाइटल पहली बार अपने नाम किया। रुमान रईस ने जिस तरह सेमीफाइनल में बॉलिंग की वो काबिल तारीफ है और उसको पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते और ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। रुमान रईस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक नए क्रिकेट स्टार बन गए हैं और अब ये पाकिस्तान की T20 और ODI टीम का परमानेंट हिस्सा होते हैं। रुमान रईस अभी सिर्फ 26 साल के हैं और उम्मीद की जाती है कि आने वाले कल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लेजेंडरी बॉलर साबित होंगे। रुमान रईस 2017 के आखिर में अपने वालिदैन की पसंद से उन्होंने शादी कर ली जिसकी वजह से इनके बहुत से फीमेल फैंस के दिल भी टूट गए। रुमान रईस को PSL थर्ड सीज़न के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गोल्ड कैटेगरी में पिक कर लिया और इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है। मिसबाउल हक जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 साल से कैप्टन है, कहा जा रहा है कि PSL 2018 के थर्ड एडिशन के बाद मिसबाउल हक PSL से भी रिटायर हो जाएंगे तो PSL फोर्थ एडिशन से रुमान रईस इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी करेंगे। ये थी रुमान रईस की 2017 तक की लाइफ और स्ट्रगल स्टोरी। उम्मीद है आपने ज़रूर इंजॉय करा होगा। मज़ीद स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ स्टोरीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। शुक्रिया।